गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, दिस इज अवर इंग्लिश बुक डैफोडिल्स, मेन कोर्स बुक ऑफ इंग्लिश रीडर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की पोएम नंबर 13, द लैंड ऑफ काउंटरपेन। तो काउंटरपेन का मतलब मैंने आपको बताया था, बेड कवर को बोलते हैं, या जो हम बेडशीट ओढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटरपेन। तो लास्ट क्लास में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी, आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो इजी फर्स्ट। तो देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, बेस्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। फर्स्ट वन इज द वर्ड काउंटर पेन मीन्स। तो काउंटर पेन का मतलब मैंने अभी अभी भी आपको बताया है, देखेंगे, विंडो एंड इट्स ग्लास, साउंड ऑफ विंड, अ कवर फॉर अ बेड। तो मैंने आपको बताया था कि बेड शीट या बेड कवर को हम क्या बोलते हैं, काउंटर पेन। तो लिखेंगे अ कवर, सी ओ वी ई आर, कवर फॉर बेड। बेड कवर को हम क्या बोलते हैं, काउंटर पेन। नेक्स्ट देखेंगे, हु वियर्स डिफरेंट यूनिफॉर्म। डिफरेंट यूनिफॉर्म कौन पहनता है, सोल्जर, टीचर या पोस्ट मास्टर्स। तो हमने स्टोरी में पढ़ा है सोल्जर, टीचर या पोस्ट मास्टर की हमने कोई बात नहीं की है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द चाइल्ड समटाइम्स सेंट, बच्चा कभी कभी क्या भेजता है, फाइटर प्लेन, शिप्स या टैंक्स। तो शिप्स भेजता है, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन, एस एच आई पी एस, शिप्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रीज आर डैश वर ट्रीज एंड डैश वर ब्रॉट आउट टू प्लांट सिटीज। तो ट्रीज के साथ साथ और क्या थे प्लांट सिटीज में प्लांट करने के लिए, पीपल, फार्म्स या हाउसेस। तो हमने देखा था ट्रीज एंड हाउसेस, तो यहाँ लिखेंगे एच ओ यू एस ई एस, हाउसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो सही के लिए टी, गलत के लिए एफ लिखेंगे। फर्स्ट इज द चाइल्ड इन द पोएम प्लेज विद डॉल्स। तो पोएम के अंदर जो चाइल्ड है वो डॉल्स के साथ खेल रहा है, तो ये बात हो गई गलत, तो इसके लिए अच्छा हमें फॉल्स लिखना था, क्रॉस नहीं लगाना था, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ, द जाइंट रोल्स अपॉन द पिलो हिल। तो जाइंट रोल नहीं कर रहा था, वो उसके ऊपर सिट था, यानी कि बैठा हुआ था, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, लेडन सोल्जर्स हैड डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, ये बात ठीक थी कि उनके अलग अलग यूनिफॉर्म्स थी, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, द चाइल्ड सेंड द बुक्स इन फ्लीट। तो चाइल्ड बुक्स को सेंड करता है इन फ्लीट, नहीं सोल्जर्स को, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, द चाइल्ड इज रेफर्ड टू एज अ जाइंट। तो बच्चे को यहाँ जाइंट की तरह बताया गया है, बिल्कुल ठीक है ये बात, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब हम देखेंगे अ स्टेप अहेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो देखते हैं फर्स्ट वन, हु वाज लाइंग ऑन द बेड। तो लिखेंगे द चाइल्ड वाज lying on the bed, और साथ में why पूछ रहा है, तो क्यों लेटा था वो, क्योंकि वो बीमार था, because he was ill, लिखो sick लिखो या कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। so child was lying on the bed because he was ill, तो वो इसीलिए बेड पे लेटा था क्योंकि वो बीमार था, ठीक है। वट इमेजिनेशन डज द चाइल्ड क्रिएट ऑफ द पिल्लो। तो पिल्लो को उसने किस तरीके से इमेजिन किया था, बच्चे ने, चाइल्ड ने ऐसा इमेजिन किया था कि वो एक पिल्लो की हिल के ऊपर बैठा है। तो लिखेंगे इन द इमेजिनेशन, आई एम ए जी आई एन ए टी आई ओ एन, in the imagination of the child about, किसके बारे में, पिल्लो के बारे में, a b o u t, about the pillow that नहीं करेंगे,
हैं, दोबारा देखते हैं, इन द इमेजिनेशन ऑफ द चाइल्ड अबाउट द पिलो इज दैट इट इज दैट ही वॉज इज दैट ही वॉज सिटिंग ऑन अ हील। ठीक है ना, ऐसा उसने सोचा कि जैसे कि वो हील के ऊपर बैठा हुआ था। किसकी हील? पिल्लो हील के। ठीक है, सिटिंग ऑन अ हील ऑफ पिलो, PILLOWS, पिलोज की हिल के ऊपर वो बैठा हुआ था, उसने ऐसे इमेजिनेशन क्रिएट किया था। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द चाइल्ड चूजेस टू बी जेंट एज ऑल द CHARACTERS करेक्टर्स इन द poem are very small as miniatures, MINIATURES, as miniatures, so the child appears to be very लार्ज एज अ जाइंट, GIANT। ठीक है, तो क्योंकि जितने भी करेक्टर पोएम के अंदर दिखाए गए हैं वो सभी बहुत छोटे थे, जैसे कि मिनिएचर होते हैं, तो बच्चा उनसे बहुत बड़ा लग रहा था, जैसे कि कोई वो शैतान हो या जाइंट हो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम। मेन मैसेज पोएम का क्या है कि हम गैजेट्स के अंदर घुस के नहीं, अपनी इमेजिनेशन से भी अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं या पास कर सकते हैं। सो द मेन मैसेज ऑफ द पोएम इज टू लिमिटाइज द यूज या usage of electronic gadgets gadgets and use your imagination, IMAGINATION, and use your imagination to the most, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी imagination को use किया जाए, ना कि electronic gadgets को। electronic gadget का जो use है उसको minimize किया जाए। ठीक है, next देखते हैं, answer the following questions with reference to the कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, एंड प्लांटेड सिटीज ऑल अबाउट, तो इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको लिखना है। तो नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो कौन था? R.L. स्टीवेंसन ने लिखा था। दिस पोएम इज रिटन, WRITEN, रिटन बाय R.L. Stevenson। ठीक है, तो इन्होंने ये पोएम लिखी थी। नेक्स्ट, वेयर आर द सिटीज प्लांटेड, तो सिटीज कहाँ प्लांट थी? तो हमने पढ़ा था कि जो रोड्स थे या जो हिल्स थे उन पे सिटीज, एक बार चेक कर लेते हैं। और ब्रॉट माई ट्रीज एंड हाउसेज आउट एंड प्लांटेड सिटीज ऑल अबाउट, कहाँ की बात हो रही है? अमंग द शीट्स, शीट्स का मतलब जो उसकी काउंटर पेन था उसके ऊपर। ठीक है, द सिटीज
CITIES. Cities are planted over the counterpane. CounterPane. Counterpane के ऊपर cities plant की, ठीक है? What does the poet mean by the word planted? Planted का मतलब यहाँ पे क्या है? Grow करना या establish करना. Planted means here to grow or to establish. ESTABLISH, establish करना, ठीक है? To keep me happy all the day. Who is me in the above line? तो कौन खुश होने की बात कर रहा है? वो child. तो लिखेंगे me in the above line. S नहीं आएगा. Line is the child itself. बच्चा खुद ही है यहाँ पे me, ठीक है? वो अपनी ही बात कर रहा है. तो आगे देखेंगे. What is meant to keep the child happy all day? क्या मतलब है इस बात का कि बच्चे को पूरे दिन खुश रखे? As the child was ill and feels boredom, या फिर लिख लेते हैं and feels boredom, he imagine some, ऊपर लिख रहे हैं land of counterpane, counterpane, to be happy. कि जैसे कि बच्चा बीमार है और बोर फील कर रहा है तो वो इमेजिन कर लेता है कोई काउंटरपेन की लैंड को ताकि वो खुश रहे, खुश होने के लिए, ठीक है? तो व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस, तो मी को यानी कि उस चाइल्ड को हैप्पीनेस क्या चीज देती है? द लैंड, द इमेजिनेशन, IMAGINATION, द इमेजिनेशन ऑफ द लैंड ऑफ काउंटरपेन, गिव्स मी हैप्पीनेस, ठीक है? तो ये हुआ हमारा सी पार्ट. अब जल्दी से हम वोकैबुलरी देख लेते हैं, बिल्डिंग वोकैबुलरी. तो एंटोनिम्स आर वर्ड दैट आर अपोजिट इन मीनिंग. तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट, यानी कि अपोजिट वर्ड, ठीक है? वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग आर नोन एज एंटोनिम्स. फॉर एग्जाम्पल एक्सेंड, डिसेंड, अपार्ट, टुगेदर, तो ये क्या है? अपोजिट वर्ड्स हैं. तो इसी तरीके से नाउ राइट एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके एंटोनिम हमें लिखने हैं. तो फर्स्ट वन इज बोरो. बोरो का अपोजिट क्या हो जाएगा? लैंड, L-E-N-D, लैंड. एबसेंट, एबसेंट का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट. तो फ्रीक्वेंट का क्या हो जाएगा? ओकेजनल, OCCASIONAL, ओकेजनल. वर्टिकल, वर्टिकल का क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल. नेक्स्ट लॉयल, तो लॉयल का हो जाएगा अनफेथफुल, FAITHFUL, अनफेथफुल. नेक्स्ट डिफीट, और डिफीट का अपोजिट क्या हो जाएगा? विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री. नेक्स्ट डिनाई, तो डिनाई का अपोजिट हो जाएगा एक्सेप्ट,
accept. Next, appear का हो जाएगा disappear. DISAPPEAR. shrink का हो जाएगा expand. 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 inferior का हो जाएगा superior. 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 next, optimist. तो optimist का क्या हो जाएगा pessimist. 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 तो ये हुए हमारे opposite word, इनको आप अपनी बुक में फिल करेंगे और साथ में लर्न भी करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, लर्निंग ग्रामर स्ट्रक्चर एंड यूसेज देखेंगे. यू मस्ट हैव रेड अबाउट WH वर्ड. आपने WH वर्ड के बारे में सुना होगा. WH वर्ड कौन से होते हैं? क्वेश्चन फैमिली के जो वर्ड हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं इंग्लिश में, तो वो WH फैमिली के वर्ड होते हैं क्योंकि ये WH से स्टार्ट होते हैं मोस्टली. तो देखेंगे फॉर एग्जाम्पल हु, व्हाट, हूज, व्हाई, वेयर, व्हेन एक्सेट्रा. ये सब क्या हैं? WH फैमिली के वर्ड्स हैं. These words are also known as interrogative words. इनको interrogative words भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर question पूछ रहे होते हैं इसीलिए, ठीक है ना. तो देखेंगे एक बार जल्दी से, fill in the blanks with suitable WH word. तो जो suitable हो वो हम यहाँ use करेंगे. Dash is the new amusement park. तो कौन सा question हमें क्योंकि बनाना है तो क्या लगाएंगे? Which लगा देंगे, ठीक है. WHICH, which is the new amusement park. Next, dash, did you complete the exam before everyone? तो क्या आ जाएगा? Why, क्यों किया तुमने सबसे पहले, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है. Next, dash, will you spend your summer vacation? तो यहां आ जाएगा where, कहां spend करोगे. कुछ भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है. डैश बैग इज इट, तो यहां आ जाएगा हुज, किसका है, ठीक है. नेक्स्ट, डैश विल बी द एनुअल फंक्शन हेल्ड, तो व्हेन आ सकता है यहाँ पे, कब होगा, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं आगे हम. डैश आर यू लुकिंग फॉर इन द स्कूल प्लेग्राउंड, तो क्या, व्हाट, WHAT, व्हाट. नेक्स्ट में डैश विल यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर द ट्रिप, तो क्या आ जाएगा, व्हेन आ सकता है, कब करोगे, WHEN, व्हेन. डैश डिड यू कैंसिल योर बर्थडे पार्टी, तो व्हाई आ सकता है, क्योंकि. नेक्स्ट, डैश इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द विंडो, तो कौन, तो इसके लिए आ जाएगा हु. डैश विल बी द कोच ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम, तो हु आ सकता है अगेन यहाँ पे. और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो वर्ड मैंने यूज करें उन्हीं से. आप कोई और क्वेश्चन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, पर WH फैमिली के ही वर्ड आपको यूज करने हैं, ठीक है. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. एंड नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे, द एंजल ऑफ माई लाइफ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.